नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते। तो इस वीडियो में हम ऐसे दो स्टॉक की बात करेंगे जो लगातार अपने हाईज पे हाई लगा रहे हैं, तो देख लेते हैं वो शेयर्स कहाँ तक जाने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, कंटिन्यू ऊपर ही जाते रहेंगे। कहाँ से मूव करेंगे, जहाँ से मूव करेंगे अगर वहाँ पे आपने बेचा तो आपके अच्छे खासे पैसे भी बन सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों जो हमारा पहला स्टॉक है वो है सुबेक्स लिमिटेड। अगर इसके डिटेल की बात करें तो 38.50 रुपये में ये शेयर आज क्लोज हुआ है। अगर वहीं बात करें तेज़ी की तो आप देखेंगे 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिला है इस शेयर में। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर 52 एक लो की बात करें तो 15.35 रुपये का है, जबकि 52 एक हाई की बात करें जो है 41.65 रुपये का। अगर वहीं डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे इसमें डिलीवरी उठाई गई है 36.20% का। अगर बात करें क्वांटिटी की तो आप देखेंगे इसमें क्वांटिटी उठाई गई है 41,62,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे। अगर बात कर लेते हैं इसमें रिटर्न की तो आप देखेंगे एक साल में इसने 308% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें एक महीने में तो आप देख सकते हैं एक महीने में 14.5% का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी दे चुकी है। पीई की बात करें तो -12 के पीई पे चल रहा है, जबकि सेक्टर पीई की बात करें तो 49 के पीई पे चल रहा है। देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है। दोस्तों अगर चार्ट की बात करें तो अभी हाल ही में इसने अपना हाई लगाया, यानी कि जिस हिसाब से इसमें तेज़ी देखने को मिले उसके बाद यह शेयर लगातार गिरता ही चला गया। अब इसमें संभलने की कोशिश कर रहा है और फिर से इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी बन रही है, यानी कि जो कैंडल्स बन रहे हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये शेयर और ऊपर जाए और ऊपर जाए। तो अगर इस शेयर में आपको प्ले करना है तेज़ी का तो आपका टारगेट होना चाहिए 41.74 रुपये का। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाया जाता है, टारगेट तो बाद में आप डिसाइड करते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 36.97 रुपये, यानी कि लगभग 37 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस टाइम यह शेयर चल रहा है 38.50 रुपये, यानी कि जाने को आपको 1.5 रुपये है लेकिन मिलने को आपको 3 रुपये से ज़्यादा का है, यानी कि 1:2, यानी कि रेशियो जो बनेगा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो आपका बनेगा 1:2 का बन जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 1 रुपये जा रहे हैं तो 2 रुपये मिल भी रहे हैं। इस बात के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सपोर्ट को तोड़कर उसके नीचे जाता है तो फिर अगला सपोर्ट आपका बनेगा 35.72 रुपये का। लेकिन दोस्तों जो टारगेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है, इस टारगेट के ऊपर जाकर क्लोज हो जाता है तो फिर 50 रुपये का टारगेट कहीं नहीं गया है इस शेयर के लिए। तो दोस्तों टारगेट काफ़ी अच्छा है, शेयर जिस हिसाब से तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है, जो कैंडल्स बन रहे हैं वो काफ़ी बुलिश बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस बार ये नया 52 वीक हाई तो लगा ही देगा। तो इस बात के लिए इस शेयर में आप प्ले कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक को। दोस्तों अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो यह शेयर भी लगातार अपने हाई पे हाई लगाता जा रहा है। आप देखेंगे आज इस समय अपना नया 52 वीक हाई भी लगाया है 98.50 रुपये का। अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो यह शेयर क्लोज हुआ है 95.85 रुपये, लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। 52 वीक लो की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 22.40 रुपये जो कि 7 अप्रैल 2020 में इसने बनाया था। अगर वहीं डिलीवरी की बात करें तो 22% की डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में। अगर क्वांटिटी की बात करें तो आप देखेंगे 2,80,65,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में इस कंपनी ने 267% का रिटर्न दिया है, जबकि अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने 24.5% का रिटर्न दे दिया है, कमाल की बात है। अगर पी की और इसके पी की बात करें तो आप देखेंगे 17.49 का है, जबकि अगर वहीं सेक्टर पी की बात करें जो कि 99.26 का है, यानी सेक्टर पी से ये शेयर काफ़ी सस्ते में आपको मिल रहा है। देख लेते हैं आगे का डिटेल क्या कहता है। दोस्तों अगर चार्ट की बात करें तो आपको डेली चार्ट में उतना अच्छा डिटेल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, तो इनका मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है ताकि आपको पूरा डिटेल अच्छे से दिखा सकूं। तो दोस्तों मंथली चार्ट पे अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अगर इस टाइम इसकी बात करें तो यह शेयर आज क्लोज हुआ है कितने में, 95.85 रुपये पे। तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि अभी डेली चार्ट पे आपको टारगेट बहुत क्लोजली नहीं देखेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा इस शेयर को लेकर। तो देख लेते हैं पीछे कहाँ जाना पड़ा है। दोस्तों 2018 के में आप चार्ट में जाएंगे तब आपको एक चार्ट मिलेगा जहाँ पे आपको 100.98 रुपये का, यानी कि 100 रुपये कम्प्लीटली 101 रुपये का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो
लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप देखेंगे इस लेवल को इस शेयर ने कई बार टच किया है, एक बार 2018 में टच किया, उसके पहले की बात करें तो 2015 में टच किया था, 2014 में टच किया था, फिर 2012 में, 13 में, यानी कि इस लेवल को कई बार इस शेयर ने टच किया, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिला और अच्छी खासी गिरावट आई इस लेवल के बाद। तो कहीं ऐसा तो इस बार भी नहीं होने वाला है 100 रुपये का टच करके फिर से इसमें भारी गिरावट तो नहीं आने वाली, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यानी कि ये जो आपका टारगेट होगा यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट अपनी बुकिंग कर सकते हैं अगर आप इस शेयर को होल्ड किए हुए हैं। अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो इसके ऊपर अगर शेयर जाके क्लोज होता है तो फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, फिर अच्छी खासी ख़रीदारी की जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि करंट लेवल पर आपको बाई करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ी समझदारी नहीं होगी। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर डिटेल को यानी इस चार्ट को और ज़्यादा थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो आपको और डिटेल देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्या टारगेट बनेगा, यानी कि अगर 100 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो क्या टारगेट उसके बाद हो सकता है। दोस्तों उसके बाद टारगेट होगा 115 रुपये 38 पैसे 34 पैसे का, यानी कि जो इसको और ज़्यादा जूम आउट करने के बाद जो आपको डिटेल देखने को मिलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उस लेवल को, यानी कि 100 रुपये के ऊपर वाले लेवल को। आप देखेंगे ये शेयर 2014 में इसको टच किया था, उसके बाद आप देखेंगे कई अटैम्प्ट इसमें भी टच हुआ है, यानी कि 4 से 5 अटैम्प्ट इसने 115 का लेवल को टच किया था। आप सोच सकते हैं कि कितना भारी इसमें तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन जो पहले 100 रुपये का जो इनका लेवल है तो 1 रुपये का लेवल पहले इस शेयर को टूट जाने दीजिए, उसके बाद यानी 102 रुपये 103 रुपये पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा 115 रुपये तक का, अच्छे खासे पैसे बनने हैं। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 101 रुपये, 103 रुपये पर आप बाई करते हैं तो 101 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगाइए और अच्छी खासी आपको 2 रुपये जाएगा, लेकिन मिलेगा कितने 15 रुपये तक मिलेगा, 13 रुपये तो मिल ही जाएगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ज़्यादा फेवरेबल है रिस्क रिवॉर्ड। तो इस हिसाब से इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इस जो लेवल्स बने वो थोड़े दूर जाकर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है तो आप इसमें मंथली चार्ट लगाकर 2012 का डिटेल या फिर 2014 का डिटेल, ऐसे डिटेल्स आप देखेंगे, 2018 का डिटेल्स देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप प्रेडिक्ट करते हैं तो कभी कभी आपको छोटे डेटा में भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत बड़े डेटा के पास भी जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।